सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे हम लोग उर्वरक। देखिए, उर्वरक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए, हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। देखिए, उर्वरक होता क्या है? तो उर्वरक मिट्टी में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, वो उर्वरक कहलाते हैं। देखिए, उर्वरक कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सबको आप अच्छे से बारी बारी देखते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, सामान्य उर्वरकों में तीन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तीन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पहला होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटेशियम। तो तीनों को अच्छे से आप देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को। तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन के उर्वरक। तो देखिए, नाइट्रोजन के जो कार्य होते हैं, वे जो नाइट्रोजन वे मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाइट्रोजन के उर्वरक जो होते हैं वे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है और अमोनिया नाइट्रेट और एक अमोनिया सल्फेट होता है जो आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अमोनिया सल्फेट और अमोनिया नाइट्रेट भी होता है। और देखिए, कैल्शियम साइनेमाइड होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी उर्वरक है। तो सबका जितने भी एग्जाम्पल अच्छे से आप समझ लीजिएगा, सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आगे हम लोग समझेंगे फास्फोरस के उर्वरक। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, फास्फोरस के उर्वरक। तो देखिए, फास्फोरस के उर्वरक जो कार्य होते हैं वे मृदा में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वे जो फास्फोरस के जो उर्वरक होते हैं वे मिट्टी में फास्फोरस की जो कमी को पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम होता है और देखिए एक सुपर फास्फेट होता है जो हड्डियों से पीस के उर्वरक बनाया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम हो गया और ट्रिपल सुपर फास्फेट, दोनों इम्पॉर्टेंट है फास्फोरस के उर्वरक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो जितने भी एग्जाम्पल है अच्छे से समझ लीजिए, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स पोटेशियम के उर्वरक। तो पोटेशियम के उर्वरक कौन कौन से हैं, पोटेशियम के उर्वरक कार्य क्या होता है? तो देखिए, पोटेशियम के उर्वरक वे मिट्टी में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। देखिए, सब कमी को पूरा करते हैं तो अच्छी फसल होती है उसमें। तो देख लीजिए, पोटेशियम के उर्वरक वे मिट्टी में पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा देख लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट और इसका तीसरा देख लीजिए पोटेशियम सल्फेट आदि भी होते हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट है जितने भी हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम के एग्जाम्पल, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे।